नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपको धर्म आध्यात्म व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारी देती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सनातनी के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा तथा लड्डू गोपाल नहीं होते हैं, वह घर शमशान की तरह होता है। अगर आपके घर में मंदिर है और उसमें लड्डू गोपाल जी रखे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की प्रिय चीजों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें घर में रखने पर सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं नॉलेज चैनल। लड्डू गोपाल जी को 6 चीजों से बहुत प्रेम है। पहली बांसुरी, जो हमेशा उनके होठों पे लगी रहती है। दूसरी गाय व तीसरी माखन मिश्री। चौथा मोरपंख और पांचवा कमल और वैजयंती माला। ये 6 चीजें लड्डू गोपाल को प्रिय होती हैं, इसलिए जो भी श्री कृष्ण को ये चीजें अर्पित करता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि व ऐश्वर्य बना रहता है। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल को क्यों प्रिय हैं ये 6 चीजें। मुरली या बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। इसके 3 प्रमुख कारण है। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी भी तरह की गांठ नहीं होती, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो बता रही है कि जब तक न कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। दूसरी है गाय। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, साथ ही यह सभी गुणों की खान है। गाय श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गाय से प्राप्त गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी आदि पंचगव्य कहलाते हैं। मान्यता है कि इसका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता, इसलिए घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही गाय व बछड़ा भी रखना चाहिए। तीसरी चीज है मोरपंख। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चौथी चीज है कमल। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है, इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल यह संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका बताता है हमें कमल। पांचवी चीज है माखन मिश्री। कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब उसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किसी प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। छठी चीज है वैजयंती माला। भगवान के गले में वैजयंती माला है, जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं है, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे हमेशा प्रसन्न रहो। दूसरा, यह माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहो। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। राधे राधे।